बिहार में पूंजी की इतनी कमी है कि यहाँ सीडी रेशियो है 40%, पूरे देश में अभी सीडी रेशियो है 74%। मतलब जो पैसा आप और हम बैंक में रखते हैं, बैंकों की जिम्मेवारी है कि अगर आप 100 रुपया बैंक में जमा कीजिएगा तो कम से कम 70 रुपया लोन के तौर पर समाज को उपलब्ध होना चाहिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए। बिहार में ये रेशियो है 40%। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये है कि पिछले 30 वर्ष में बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया आपका, हमारा, बिहार की गरीब जनता का जो यहाँ बैंकों में जमा हुआ, उसमें से 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार से उठाकर दूसरे राज्यों में भेज दिया। पिछले वर्ष यहाँ बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में टोटल पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, और 4,61,000 करोड़ में से 70% के हिसाब से कम 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मिलना चाहिए था रोजी रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। अगर आंध्रा में बैंकों में 100 रुपया जमा हुआ तो आंध्रा के लोगों को 105 रुपया कर्ज मिला। बिहार के लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो हमको आपको 40 रुपया मिला। आप अंदाजा लगाइए, अगर 2,50,000 करोड़ रुपया हर साल एक्स्ट्रा मिलने लगता तो कितने लोग अपना घर बड़ा बनाते, कितने लोग नई गाड़ियां खरीदते, कितने लोग नया रोजी रोजगार करते। ये पूंजी की ताकत है। अगर यहाँ पर सिर्फ सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए, आप कहिएगा कैसे सुधरेगा? ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमानी है कि जितना मन होगा लोन देंगे नहीं देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमिटी है, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमिटी है जो हर महीने इस बात का ध्यान रखती है कि बैंकों में जो पैसा जमा हो रहा है उसका कितना पैसा लोगों को ऋण के तौर पर मिल रहा है। सीडी रेशियो आरबीआई डेटा आंकड़ा जारी करता है, वेबसाइट पे जाइएगा दिखेगा। बिहार में भी ये व्यवस्था है जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सारे बैंकों के हेड बैठते हैं कि कितना पैसा लोन के तौर पर दिया गया। लेकिन जैसे बिहार में शिक्षक मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है, पुलिस वाला नहीं मान रहा है, डॉक्टर पदाधिकारी सीओ बीडीओ नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाला भी उसका बात नहीं मान रहा है। लेकिन अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो सीडी रेशियो को 3 से 6 महीने में ठीक किया जा सकता है। तो जो जन सुराज हम लोग जाकर गांव गांव कह रहे हैं कि साल भर के अंदर यहाँ से सारे बेरोजगार लोगों को 10-12 हजार रुपये का रोजगार दिया जा सकता है, उसका आधार सीडी रेशियो को सुधारना है ताकि यहाँ पर लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। अब इसका एक आप प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। गांव में मान लीजिए आपको बाल काटने आता है, बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आपने 5-7 साल मेहनत किया, किसी सैलून में काम किया, 20,000 रुपया बचाए। अब आपकी इच्छा हुई कि हम एक सैलून खोलें। सैलून खोलेंगे, उसमें 4 आदमी को नौकरी भी देंगे, अपना परिवार भी चलाएंगे। सैलून खोलने जब आप गए अपने शहर में तो पता चला कि यहाँ तो 1,00,000 रुपया लगेगा तब सैलून खुल पाएगा। तो आप नेचुरल आपका प्रयास है कि आप बैंक में जाइए ताकि 80,000 रुपया आपको मिले और आप 1,00,000 में सैलून खोल लीजिए, 80,000 को सैलून चलाकर धीरे धीरे वापस कीजिएगा। जब बिहार में पूंजी उपलब्ध नहीं होता है तो आदमी क्या करता है? बाल काटने उसको आ रहा है लेकिन पूंजी नहीं हुआ, अब बचा उसके पास अपना 20,000, तो उस 20,000 को खर्च कैसे करता है? वो 5,000 रुपया 4,000 रुपया खर्चा करता है, किसी नौकरी के दलाल को देता है कि बॉम्बे में, दिल्ली में किसी सैलून में हमको नौकरी दिलवा दो। फिर 2,000-2,500 रुपया में ट्रेन का, बस का टिकट खरीदता है ब्लैक में कि हम लदाख कर बोरा के तरह कम से कम दिल्ली बॉम्बे पहुंचे। 5-7 हजार रुपया खर्चा हो गया, अब बचा उसके पास 15,000-12,000। वहां बॉम्बे दिल्ली गया तो वहां जो खोली वाला है तो 3 महीने का एडवांस ले लिया, 5-7 हजार वो भी चला गया। 1-2 हजार रुपया का जो बर्तन बासन है उसमें खर्चा हो गया। तो आप देखिए पूंजी की महत्ता। आदमी को बाल काटने आता है, आदमी वही है, अगर उसको 80,000 रुपया मिल जाता
लोन के तौर पर तो यहाँ सैलून चलाता, चार आदमी को नौकरी देता, एक छोटा व्यवसायी होता, लेकिन वो 80,000 नहीं मिला तो बॉम्बे में दिल्ली में जाकर मजदूर बन गया, बाल वहां भी काट रहा है लेकिन वहां मजदूर के तौर पर काट रहा है, यहाँ छोटा व्यवसायी होता। तो हम लोग का जन सुराज की जो सोच है कि जो जवान लड़के हैं, जो नवयुवक हैं, उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके।